नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरा इस जगन्नाथपुरम ब्लॉग में। दोस्तों मेरे को कमेंट करके बोले थे हमारे यहाँ सुंदरगढ़ का भाई लोग कि भैया यहाँ सुंदरगढ़ का भी वीडियो बनाना, जो नदी में ब्रिज बन रहा है बोल रहे थे मेरे को। तो यहाँ आके आज पता किया कि यहाँ ब्रिज बनने वाला नहीं है। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं उधर जेसीबी और हाईवा सब लगा हुआ है, वो सब बालू निकालने के लिए है। तो आगे जाके पूछते हैं कि ब्रिज बनेगा कि नहीं। ब्रिज बनने वाला नहीं है, यहाँ बालू बस निकाल रहे हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बालू उठाने के लिए है, यहाँ ब्रिज बनने वाला नहीं है। बनेगा बनेगा बोल रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कब बनेगा। लेकिन यहाँ नदी का नज़ारा देखिए, ये हिप रिवर है, हिप नदी है, उधर तो बालू निकाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी सोच रहा था कि यहाँ ब्रिज बन रहा है शायद बोल के, लेकिन ये सब जो रोड बनाया गया है बालू का, देखिए ये सब बालू निकाल रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं उधर। तो यहाँ कोई ब्रिज बनने वाला नहीं है दोस्तों। और ये है हमारा इब रिवर, अगर यहीं पे ब्रिज बन जाता तो इधर जो इस तरफ टांगरवाड़ी बोल के एक गाँव है, इधर बहुत सारा गांव है, लेकिन इधर टाउन बस नदी पार करने से टाउन है, लेकिन ये लोग को घूम के जाना पड़ता है बारिश के सीज़न में, पूरा 15 किलोमीटर आना पड़ता है ये लोग को घूम के पूरा। तो यहाँ अगर ब्रिज बन जाता तो बढ़िया होता है सबको, इधर का हर कोई, उधर बहुत गाँव है, उधर वो लोग के लिए सुविधा हो जाता, लेकिन देखते हैं। और अभी तो शुरू नहीं हुआ है ब्रिज बनेगा कि नहीं, किसी को भी पता नहीं है। यहाँ जितना आदमी है पूछ रहे हैं तो किसी को पता नहीं है दोस्तों। ब्रिज बनेगा बोल के तो बोल रहे हैं बहुत आदमी, पैसा भी सेक्शन हो गया बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं इस साल शुरू हो रहा है कि नहीं ब्रिज। लेकिन ये सब जो चल रहा है वो तो बालू निकाल रहे हैं दोस्तों। तो ओडिशा सरकार को यही गुजारिश है कि यहाँ अगर ब्रिज बना देते तो इधर जो नदी के उस पार जो बहुत आदिवासी अंचल है, जो बहुत सारा गांव है, तो इधर का जितना भी गांव है वो लोग बहुत सुविधाएं पाते, और इधर छत्तीसगढ़ बॉर्डर आसपास से भी बहुत गांव से ऐसे घूम के आने पड़ता है दोस्तों। इस तरफ सुंदरगढ़ शहर है और नदी के इस पार जो देख रहे हैं वो भजपुर है। तो नदी के उस पार जितना भी गांव है सुंदरगढ़ पे ही डिपेंड करते हैं वो लोग, जो किसान लोग भी है वो लोग भी डिपेंड करते हैं, लेकिन इधर जो घूम के आना पड़ता है और गाड़ी भी इतना सुविधा नहीं है, इतना नहीं मिलता है, इसीलिए गाड़ी वाले भी फायदा उठाते हैं, जो आने का 40 रुपया और जाने का 40 रुपया, वो भी 15 किलोमीटर का। तो जो मजदूर करने आते हैं वो लोग अगर 40 रुपया एक दिन में, 80 रुपया मान लीजिए, 80 रुपया ख़त्म होता है आने जाने का अप डाउन का, तो वो लोग तो दिन भर काम करते हैं तो 250 से 300 कमाते हैं। तो और बच्चे का कितना, 200 रुपया, 200 रुपया में क्या घर चलेगा। एक तो अगर तेल खरीदते हैं खाने का तो वो तो ऐसे ही 150-200 रुपया हो गया है। यहाँ जो बालू का अभी ये जो रास्ता बनाया गया है ये तो बालू निकालने के लिए है, और हम लोग का सुंदरगढ़ का जो गांव तरफ से है वो लोग सब समझ रहे हैं कि यहाँ ब्रिज काम चालू हो गया बोल के, लेकिन नहीं हुआ है दोस्तों। आज राकेश भाई के साथ आए हैं हम लोग इधर नदी तरफ घूमने के लिए, और राकेश भाई के साथ भी बहुत दिन से भेंट हुए हैं आज हम लोग, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है दोस्तों। आप लोग तो जानते होंगे कि मैं मार्बल टाइल्स का काम करता हूँ, तो सुबह से चला जाता हूँ, पूरा शाम हो जाता है, वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। दोस्तों इधर पानी देखिए कितना साफ है, लेकिन ज़रूर आएंगे और किसी दिन, और एक दिन आएंगे नहाने के लिए, पानी तो एकदम मस्त है दोस्तों, मस्त गर्म है नहाने के लिए। अभी तो ठंड थोड़ा कम हो गया है। जो सुंदरगढ़ भितरिया पड़ा और लेमलेमा डोंगा घाट में हर साल बालू का रास्ता बनाया जाता है, और ऊपर अगर जोर बारिश हो जाता है या छत्तीसगढ़ तरफ से जो बैरेज का पानी छोड़ देते हैं तो ये मिट्टी वालों का रास्ता पानी में बह जाता है। तो इतना पैसा खर्च करके क्या फ़ायदा, तो वही सब पैसा में ब्रिज बना देने से
सबसे बेस्ट होता, और ओडिशा का पैसा जितना ख़त्म हो रहा है ओडिशा गवर्नमेंट का, बार बार हर साल पानी मतलब पानी में बह जाता है। तो मेरे जितने भी सुंदरगढ़ के भाई लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं यहाँ ब्रिज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और यहाँ बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोग का इधर सुंदरगढ़ वासियों को, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ से देखिए टांगरबाड़ी और भचूर कितना पास में है, और सोच लीजिए कि हम लोग कितना दूर घूम के आना पड़ता है बारिश सीजन में। और उधर बालीशंकरा से होके सुंदरगढ़ के लिए रोड एकदम ही अच्छा बन रहा है, जो बालीशंकरा कुकरीडीही करला घाटी होके जो रास्ता बन रहा है, तो यहाँ अगर ब्रिज बन जाता उसमें कनेक्ट हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला नहीं है, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारा सुंदरगढ़ कैसा लगा, और थोड़ा हमारा यहाँ नदी का नज़ारा थोड़ा आप लोगों को दिखा रहे हैं फिर से। दोस्तों जो पहाड़ दिख रहा है वो हमारे टाउन के बीच में है वो पहाड़, और ये जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा टाउन है, इधर पेड़ सब है नहीं दिख रहा है, और जो पहाड़ है पूरा उधर पुराना बस स्टैंड है उसका बगल में, और ये जो पत्थर सब दिख रहा है ना दोस्तों ये रानी बगीचा है। और यहाँ गर्मी सीजन में हम लोग मछली मारने आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मछली वहाँ, बहुत गहरा पानी है वहाँ, तो गर्मी सीजन में मछली मारने आते हैं। जो मेरे सुंदरगढ़ का भाई एक तो मेरे को कमेंट करके बताया था कि वीडियो एक तो बनाना, वहाँ ब्रिज बन रहा है बोल के बोले थे, लेकिन ये ब्रिज नहीं बन रहा है भाई, यहाँ तो बस बालू उठाने के लिए बस ये सब इंतजाम किया गया है। और ये रहा हमारा सुंदरगढ़ का ईप रिवर। तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, और दोस्तों वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आज तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर दूसरा दिन कभी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक फिर से नए वीडियो लेके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।